लौकी के कोफ्ते की रेसिपी फ्रेंड्स आप सबके बीच शेयर करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, जो बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे फ्रेंड्स तो हमें स्टेप बाय स्टेप बताए हैं आप इस तरीके से लौकी के कोफ्ते बिल्कुल सॉफ्ट बना पाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स। बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाले ये कोफ्ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं फ्रेंड्स तो फॉलो करें। तो हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल तारावती किचन्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरीके से वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लेंगे तो इस तरीके से लौकी के कोफ्ते बिल्कुल सॉफ्ट बना पाएंगे, आपको देखने से पता लग रहा होगा फ्रेंड्स। तो देखिए, वीडियो को हम शुरू करने चल रहे हैं। तो 500 ग्राम हम लौकी लिए हैं, इसका छिलका उतार दिए हैं और बीज में इसके जो बीज था उसे भी हमने निकाल दिया है। तो हम इसे ग्रेट कर लेंगे पहले। तो एक थाली में ले लिए ग्रेटर को, पतला वाला ग्रेटर है छेद उसका, तो उससे हम ग्रेट करेंगे। तो इसे ग्रेट करेंगे, पतले छेद से ग्रेट करेंगे फ्रेंड्स। तो लौकी के कोफ्ते जो बिल्कुल हमारे सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। बड़े वाले ग्रेट से ग्रेट मत करिएगा, छोटे वाले से ही ग्रेट करिएगा। तो इससे लौकी के कोफ्ते बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम ग्रेट कर ले रहे हैं, सारा लौकी ग्रेट कर लेंगे। 500 ग्राम हमारी लौकी है तो पूरी लौकी को हमें ग्रेट कर लेना है पहले, फिर हम आगे इसको, ये देखिए सारी लौकी हमारी ग्रेट हो गई है। अब इसका हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसका पानी जो है, इसमें पानी होता है बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स, इसको हमें निकाल देना है। तो एक हमने कपड़ा ले लिया है, ये देखिए इस पर हम सारा लौकी रख दे रहे हैं और इसको निचोड़ कर इसका पानी हम पूरा निकाल देंगे। तो पूरा पानी निकालने के बाद ही लौकी को कोफ्ते को बनाइएगा फ्रेंड्स, नहीं तो ये बन नहीं पाएगा आपका। और जो बेसन भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा तो बिल्कुल ये हार्ड बन जाएंगे। तो पानी निकालने से बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार होंगे और एकदम टेस्टी भी बनेंगे। तो पानी बिल्कुल हमें निचोड़ देंगे तो इससे बेसन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा और बेसन बहुत कम लगेगा और लौकी का कोफ्ता हमारा बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। तो हम पानी सारा देखिए निचोड़ कर निकाल दे रहे हैं। तो इस तरीके से निचोड़ निचोड़ कर पानी पूरा हमें लौकी से निकालना है। उसके बाद ही हम लौकी को कोफ्ते को इसमें बेसन उसन मिलाएंगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं इतना पानी इसमें निकला है। इसमें निचोड़ने से पानी बहुत ज़्यादा निकलता है फ्रेंड्स। तो पानी पूरा निकल गया है, बिल्कुल ड्राई ड्राई हो गया है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, ये आप देख सकते हैं। अब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी। मसाले भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है इसमें, क्योंकि मसाले भी हम सब्ज़ी में भी ऐड करेंगे। और क्रश करके हम अजवाइन को डाल दिए हैं और 1/4 चम्मच हम जीरा डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं आप देख सकते हैं। नमक डाल देंगे 1/4 चम्मच और बेसन को 3 चम्मच हम पहले डालकर अच्छी तरीके से मिला लेंगे। बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बेसन बहुत ज़्यादा डालने से क्या होगा, कोफ्ते हमारे सॉफ्ट नहीं होंगे, हार्ड बनेंगे। तो इसलिए हम 3 ही चम्मच डालेंगे। अगर लगेगा थोड़ा बहुत तो हम थोड़ा डाल लेंगे, लेकिन अभी हमें 3 चम्मच ही मिलाना है और अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। ये देखिए, अच्छी तरीके से हम मिला ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप बेसन इसमें मिला देंगे तो आपका जो है लौकी का कोफ्ता बिल्कुल हार्ड बन जाएगा और टेस्ट भी उसमें वो नहीं रह जाएगा। तो हम देखिए 3 चम्मच डाले हैं और हम ऊपर से धनिया को डाल दिए हैं, हरी धनिया मिला दिए हैं अच्छी तरीके से। बेसन थोड़ा सा कम लग रहा था तो 1 चम्मच हमने फिर से डाला है और इसे भी अच्छी तरीके से हम मिला दे रहे हैं। तो कुल 4 चम्मच हमने बेसन को डाला है। तो हम कढ़ाई रख दिए हैं, तो कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे, सरसों को ऑयल में हम बनाएंगे और सरसों को ऑयल में ही इसे हम फ्राई करेंगे। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, तो सरसों को ऑयल में बनाएंगे फ्रेंड्स तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो इसलिए हम सरसों का ही ऑयल यूज़ कर रहे हैं। देखिए, इस तरीके से गोला गोला हम कोफ्ता को आप कोई भी शेप दे सकते हैं। इसे लंबे भी शेप में इसे बनाया जा सकता है, लेकिन हम गोले शेप में ही कोफ्ते को बनाएंगे, क्योंकि गोले शेप में ही लोग कोफ्ते को बनाते हैं। तो हम यही शेप इसको दे रहे हैं, ना बहुत ज़्यादा छोटा ना बहुत ज़्यादा बड़ा, मीडियम साइज़ का हम इसे बनाए रहे हैं। तो इस तरीके से हम सारा बना लेंगे, फिर फ्राई करेंगे। देखिए, सारे बन गए हैं और हम डाल दे रहे हैं, तेल हमारा गर्म हो गया है। तो सारे डालने के बाद थोड़ा इसे 1 मिनट तक बिल्कुल छूइएगा मत, उसके बाद ही इसे उलट पलट करिएगा।
तो देखिए डाल दे रहे हैं कोफ्ते को। एक मिनट के बाद ही हम इसे उलट पलट करेंगे ताकि ये नीचे से अच्छी तरीके से पक जाए। ये देखिए एक साइड ही अच्छी तरीके से एक मिनट तक हो गया है, तो ये पक गए हैं। अभी से हम दोनों साइड अच्छी तरीके से उलट पलट के फ्राई कर लेंगे और तब तक हम मसाला तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए हम दो बड़ी साइज के प्याज है उसे बिल्कुल बारीक काटे हैं, काजू है, दो टमाटर है, 10 से 12 काजू है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 2 हरी मिर्च है और 5 से 6 लहसुन की कलियां हैं। तो सारा चीज़ लिए इन्हीं मसालों को हम इसमें यूज़ करेंगे। तो लौकी का कोफ्ता हमारा फ्राई हो गया है तो इसे हम निकाल लेंगे। तो एक प्लेट में हम निकाल ले रहे हैं, फिर हम मसालों को तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए सारे कोफ्ते हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं। तो इस तरीके से आप फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स, तो बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं फ्रेंड्स। ये देखिए कुछ खड़े मसाले लिए हैं, दालचीनी है, जावित्री है, जीरा है, गुल मिर्च है, लवंग है और एक इलायची है छोटी, हम सभी डाल दिए हैं। तो मसाले को हम पकने देंगे। तो मसाला हमारा पक गया है फ्रेंड्स। तो हम दो प्याज को, बड़ी साइज़ की प्याज हमारी है, बड़ी जो है बिल्कुल रफली चॉप किए हैं, तो इसे हम ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो ब्राउन होने के बाद ही हम इसमें मसाले को ऐड करेंगे। तो प्याज को पहले हमें अच्छी तरीके से भूनना है। तो देखिए चलाते हुए हम भून ले रहे हैं। जब तक प्याज हमारा हो रहा है तब तक हम मसाले को पीस लेंगे। तो काजू को डाल दिए हैं, लहसुन डाल दिए हैं और अदरक, हरी मिर्च और 2 टमाटर, इसे भी हम डालकर सारे मसाले को एक साथ ही हमें पीस लेना है। तो प्याज हमारा उधर ब्राउन हो रहा है, इधर मसाले को तैयार कर लिए हैं। मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब हम पहले मसाले इसमें गरम मसाले को ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसे जो पेस्ट हम बनाए हैं इसको हम डालेंगे। तो प्याज हमारी अच्छी तरीके से ब्राउन हो गई है। तो 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 टीस्पून इसमें हम देखिए धनिया पाउडर को डाले हैं और थोड़ा सा पानी डाल दे रहे हैं, इससे मसाला हमारा जलेगा नहीं और पक जाएगा अच्छी तरीके से। तो पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करिएगा, थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो इससे प्याज भी हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और अच्छे तरीके से पक जाएंगे। तो थोड़ा सा हमने पानी डाल के इसे ढक दिया है 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के बाद ही हम देखेंगे। तो ये देखिए मसाला हमारा तेल छोड़ दिया है, तो मसाला हमारा अच्छी तरीके से पक गया है। अब जो पेस्ट हम बनाए हैं काजू अदरक और लहसुन मिर्च का, टमाटर का, उसे हम इसमें डाल देंगे। तो डाल दिए हैं, अभी कटोरी में जो लगा है उसे भी हम धोकर डाल देंगे। तो इसे भी अच्छी तरीके से, क्योंकि टमाटर है, टमाटर को अच्छी तरीके से हमें पकने देना है। जब तक इसमें से तेल न ऊपर से दिखने लगे तब तक हमें टमाटर को पकाना है। तो हम ढककर टमाटर को पकाएंगे और कटोरी को धोकर हम पानी उसमें जो लगा है तो डाल देंगे। तो देखिए डाल दिए हैं और ढककर हम पकने देंगे 3 से 4 मिनट, 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से। इससे टमाटर भी हमारा अच्छी तरीके से पक जाएगा। अभी हम नमक नहीं ऐड किए हैं, नमक को भी हमें ऐड कर देना है। नमक हम ऐड कर दे रहे हैं, स्वाद अकॉर्डिंग हम नमक ऐड किए हैं, क्योंकि भी हम जो कोफ्ते बना रहे थे उसमें भी हमने नमक को डाला है तो इसमें भी हम नमक को डाल दिए हैं। तो देखिए ढककर हम पका लेंगे। जब तक ये तेल देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, तेल ऊपर से ये दिखने लगा है तो मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम जो कोफ्ते बनाए हैं उनको हम इसमें ऐड करेंगे। तो आपको देखने से पता लग रहा है मसाला बिल्कुल पक गया है। तो चला देंगे अच्छी तरीके से, फिर जो कोफ्ते बनाए हैं उनको हम इसमें ऐड करने के बाद पानी को ऐड करेंगे। तो चलाने के बाद ही हम डालेंगे। फ्रेंड्स ये लौकी के कोफ्ते बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं, एक बार आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा। घर घर में कोई सब्ज़ी नहीं है तो आप इस सब्ज़ी को एक बार ट्राई करिएगा, ये बहुत टेस्टी बनेगी आपकी सब्ज़ी। इस तरीके से अगर आप वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लेंगे तो हम गरम मसाला डाल दिए हैं, जीरा पाउडर और गरम मसाला, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला को हम ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा इसे भी हम पकने देंगे, चला दे रहे हैं। तो पकने के बाद ही हम उसे कोफ्ते को ऐड करेंगे। हमने मसाले को भी नहीं, इसको गरम मसाले को नहीं ऐड किया था तो उसे हम पहले डाल दिए हैं फिर उसे ऐड करेंगे। तो हम ढककर इसे 1 मिनट तक मसाले को पकने देंगे।
इसमें से भी तेल ऊपर से दिखने लगेगा, तब हम उसको कोफ्ते को ऐड करेंगे। तो देखिए चलाने के बाद हम ढक दिए हैं, अब एक मिनट के बाद इसे खोलेंगे। तो एक मिनट के बाद आप देख पा रहे होंगे तेल बिल्कुल ऊपर से रिलीज होने लगा है। अब हम इसे कोफ्ते जो बनाए हैं उनको हम डालना है चलाने के बाद। इस तरीके से बिल्कुल आसान तरीका है फ्रेंड्स लौकी के कोफ्ते का, और सॉफ्ट इतने बनेंगे कि मुंह में घुल जाते हैं फ्रेंड्स, और बहुत टेस्टी ये बनते हैं। तो सारे हम डाल दिए हैं और चला देंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए आराम से चलाइएगा फ्रेंड्स, ये बिल्कुल टूटेंगे नहीं फ्रेंड्स। आसानी से इसे चलाकर फिर पानी को ऐड कर दीजिए। ये देखिए अब हमें पानी को ऐड कर देना है। पानी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं, जिस हिसाब से आप ग्रेवी गाढ़ा इसे पतला खाना पसंद करें उस हिसाब से पानी को ऐड कर सकते हैं। तो पानी बहुत ज़्यादा हम नहीं डाले हैं, 1.5 गिलास तक पानी को हमने ऐड किया है इसमें लौकी के कोफ्ते में, क्योंकि हमें थोड़ा सा इसे पकाना है, 3 से 4 मिनट तक इसे पकने देना है। बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकने देना है क्योंकि मसाला हमारा अच्छी तरीके से पका हुआ है। तो जो पानी इसमें ऐड किए हैं गर्म पानी ऐड किए हैं फ्रेंड्स, गर्म पानी लौकी को कोफ्ते में ऐड करिएगा फ्रेंड्स, तो ये जल्दी पक जाएंगे और सॉफ्ट बिल्कुल आपके बनेंगे और पकने में भी बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लगेगा। तो देखिए 1.5 गिलास तक हम पानी को ऐड किए हैं, अब इसे हम ढक कर 3 से 4 मिनट पकाएंगे। चला दिए हैं, ढक दे रहे हैं फ्रेंड्स। 3-4 मिनट तक पकने के बाद ही इसमें हम लास्ट में कसूरी मेथी और धनिया को ऐड करेंगे। तो देखिए ये 3 मिनट तक हो गया है फ्रेंड्स, अभी हमें 1 मिनट और पकाना है। तो अभी हम कसूरी मेथी को ऐड करेंगे। तो 3 मिनट तक ये हो गए हैं, कसूरी मेथी को ऐड करने के बाद ये देखिए बिल्कुल पक के वैसे भी हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बन गई है कोफ्ते की। तो आप देख पा रहे हैं अभी ये हल्का पतला लग रहा है, अभी ये रखने के बाद भी सोखता है फ्रेंड्स, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसे गाढ़ा भी नहीं करेंगे, क्योंकि रखने के बाद ये काफ़ी ड्राई हो जाता है क्योंकि ये बेसन रहता है इसमें, तो इसलिए थोड़ा सा पतला रहे तभी इसे गैस ऑफ कर दीजिएगा। तो 1 मिनट हो गया उसे पका लिए हैं, लास्ट में हरी धनिया को ऐड कर दिए हैं। तो लौकी का कोफ्ता हमारा बन के तैयार हो गया है, ये देखिए फ्रेंड्स काफ़ी पहले से भी गाढ़ा हो गया है। अभी रखने पर भी फ्रेंड्स अभी इसे 10 मिनट आप रखेंगे उसके बाद ही काफ़ी ये गाढ़ा हो जाएगा। तो मिलते हैं नई रेसिपी नए वीडियो में फ्रेंड्स, थैंक्स बाय।